नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, जश्न का दिन होना चाहिए था। आज हमारे संविधान के सम्मान का दिन है, हमारे लोकतंत्र पर गौरव का दिन है। आज हमारी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को याद करने का दिन है। लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हुआ वो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं आहत हूं, मैं दुखी हूं, नाराज हूं। यह काम होना नहीं चाहिए था और यह काम उन लोगों ने किया जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, जिनके लिए हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। लेकिन फर्क देखिए, जिस तिरंगे के लिए हमारे जवान अपना जीवन बलिदान दे देते हैं, आज किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उसी तिरंगे का अपमान किया। दंगाइयों ने लाल किले की प्राचीर की पवित्रता पर हमला किया। लाल किले की प्राचीर पर सिर्फ एक ही झंडे की जगह है, वो है हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, वो झंडा जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है। मेरा दिल टूट गया जब मैंने दंगाइयों को वहां पर दूसरा झंडा फहराते देखा। ट्रैक्टर पर चढ़कर आए किसानों ने लाल किले की शान में गुस्ताखी की। आज हर देशवासी के मन में, हर राष्ट्रभक्त के मन में गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता हुई, तोड़फोड़ हुई, ट्रैक्टर मार्च की आड़ में दंगा करने की कोशिश हुई, किसानों के बेस में दंगाई आए, हंगामा किया, हिंसा की, खून खराबा किया, तिरंगे का अपमान किया, लाल किले का अपमान किया। पिछले 60 दिन से जिन्हें हर रोज हम अन्नदाता कहते हैं, जिन किसानों को पूरा देश सम्मान देता है, उन्होंने आज पूरे देश को बदनाम कर दिया। पूरी दुनिया में यह तस्वीरें लोग देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही लोकतंत्र है? मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब दंगाई तिरंगे का अपमान कर रहे थे, लोहे की रॉड से पुलिस को पीट रहे थे, बसों को तोड़ रहे थे, तलवारें चला रहे थे, लाठियां चला रहे थे, हमारे पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त वो सारे किसान नेता कहां थे जो देश के सारे किसानों के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, जो कल तक शांति के दूत बने हुए थे, जो शांतिपूर्ण आंदोलन की कस्में खा रहे थे, कहां हैं वो? कहां हैं वो दर्शन पाल सिंह? कहां है राकेश टिकैत? कहां है योगेंद्र यादव जो मीडिया से कहते थे शानदार परेड निकालेंगे? वो कहां है जो आंदोलनकारियों के गारंटी ले रहे थे कि कोई गड़बड़ नहीं होगी? कहां चले गए हन्नन मौला जो कहते थे चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर तैनात रहेंगे, कोई गड़बड़ करेगा तो उसे रोकेंगे, पकड़ लेंगे, जिन्होंने वादा किया था कि कोई डंडे लाठी लेकर नहीं आएगा? आज लाल किले से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर आपका खून खौल जाएगा। परंपरा है, हर साल इस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं और अभी अभी लाल किले से जो तस्वीरें आई हैं वो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि आज दिल्ली में किसानों के फेस में दंगाई घुसे थे। आज दंगाई ट्रैक्टर लेकर लाल किले के अंदर घुस गए। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो दंगाइयों ने पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की। लाल किले के अंदर पुराने वक्त से एक नहर खुदी हुई है। जब ट्रैक्टर लेकर दंगाई पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस के बहादुर जवानों ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की और वो नहर में कूद गए। इससे भयानक तस्वीर और क्या हो सकती है? हमारी दिल्ली पुलिस के जांबाज जवान अपनी जान बचाने के लिए इस खुदी हुई नहर में कूद रहे थे। ये भयानक, ये तकलीफ दे, इसे माफ नहीं किया जा सकता। ये लाल किले की तस्वीरें हैं जो पहली बार आप देख रहे हैं। अभी अभी ये तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें जो बयान करती हैं वो काबिले बर्दाश्त नहीं है।
किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की पुलिस वालों के ऊपर, और जान बचाने के लिए जो पुलिस वाले भागे तो वो वहाँ खुदी हुई नहर में गिर गए। आप सोचिए कैसे इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या ये तस्वीरें देखकर हमारा सिर शर्म से नहीं छुप जाना चाहिए? इन दंगाइयों ने सारी परंपराओं को तोड़ दिया। 73 साल से यह परंपरा है कि लाल किले की प्राचीर पर जो तिरंगा फहरा रहा है वो कभी झुका नहीं। इस तिरंगे की शान के लिए आजादी के बाद से अब तक 28,000 से ज्यादा बहादुर जवान अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं, लेकिन कोई दुश्मन, कोई माई का लाल आज तक इस तिरंगे को झुका नहीं सका। कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तिरंगे का अपमान कर सके, लेकिन आज हमारे लोगों ने, अपने लोगों ने धोखे से, झूठ बोलकर देश की शान में दाग लगा दिया, तिरंगे को झुकाने की कोशिश की। लाल किला देश की शानदार परंपरा का प्रतीक है, लेकिन दुख की बात है कि हमारे देश के कुछ लोग किसान आंदोलन के नाम पर आए और हमारी गौरवशाली परंपरा के प्रतीक लाल किले की शान में गुस्ताखी कर दी। लाल किले के अंदर दंगाई घुस गए, हिंसक भीड़ पूरी प्लानिंग के साथ आई, उनके हाथों में लाठियां थी, डंडे थे, कुछ लोगों के हाथों में नंगी तलवारें थी। दंगा करने वाली भीड़ लगातार नारे लगा रही थी। लाल किले की प्राचीर पर पहुंचने के बाद उग्र भीड़ में से कुछ लोग उस पोल पर चढ़ गए जिस पर 15 अगस्त के दिन, स्वाधीनता दिवस के दिन प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इस पोल पर इस हिंसक भीड़ ने अपना झंडा लगाने की कोशिश की, काफी देर तक ये झंडा लगाने की कोशिश करते हैं। एक एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल दहल जाता है, खून खौल जाता है। दंगाई यही नहीं रुके, क्योंकि पुलिस ने संयम बरता, दंगाइयों के हौसले बुलंद होते गए। कुछ लोग लाल किले की प्राचीर के बगल वाले गुंबद पर चढ़ गए और इन लोगों ने गुंबद पर भी अपना झंडा लगा दिया। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। 70 साल पहले आज के दिन पूरे देश ने मिलकर तय किया था कि हिंदुस्तान कैसे चलेगा, किस कानून के तहत चलेगा। आज के दिन हमने संविधान की पवित्रता को कायम रखने की कसम खाई थी। 70 साल पहले आज के दिन ये तय हुआ था कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी हालात हो, लेकिन देश संविधान से चलेगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं। लेकिन आज कुछ लोगों ने 70 साल की तपस्या को भंग कर दिया, अपवित्र कर दिया। जो लोग किसान बनकर आए थे वो असलियत में देश के दुश्मन है। मैंने आपसे कहा कि लाल किले की प्राचीर पर सिर्फ एक ही झंडे की जगह है और वो है हमारा तिरंगा, और उन्होंने इस तिरंगे का अपमान किया, कोई और झंडा लगाने की कोशिश की। जो झंडा लगाया उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कहूंगा तो भावनाएं और आहत हो जाएंगी। और आज उन्होंने ये एक बार नहीं, कई कई बार किया, लाल किले के कई गुंबदों पर अपना झंडा लगा दिया। ये तस्वीर हम कभी भूल नहीं पाएंगे और इस तरह की हरकत करने वालों को देश कभी माफ नहीं कर सकेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज गणतंत्र दिवस की परेड हुई। हर साल राजपथ से शुरू होकर सेना के परेड लाल किले पर आकर खत्म होती है। आज दिन तो ये था कि मैं आपको उस परेड की तस्वीरें दिखाता, हमारे सेना के शौर्य के पराक्रम की शक्ति की तस्वीरें दिखाता, लेकिन इन किसान नेताओं ने आज के दिन को दूसरा नाम दे दिया। लाल किले में हमारी आर्म्ड फोर्सेस का डेरा रहता है। इस साल कोरोना की वजह से परेड का रूट छोटा कर दिया गया था, परेड राजपथ से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम पर खत्म हो गई। क्या दंगाई इसका फायदा उठाने आए थे? क्या वो लाल किले की शान को धूमिल करने के लिए आए थे? क्योंकि वो हथियार लेकर पहुंचे थे, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास फरसे थे, कोई डंडे में फरसा बांध कर चला रहा था। लाल किले की प्राचीर पर दंगा करने वाले तलवारें लहरा रहे थे, फरसों के करतब दिखला रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे उन्होंने भारत के स्वाभिमान को ललकारा है, उन्होंने देशभक्तों को चुनौती दी है।
आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जब ये हिंसक भीड़, ये दंगाई लाल किले के अंदर दाखिल हो रहे थे। लाल किले पर पुलिस बंदोबस्त तो था, पुलिस फोर्स तो तैनात थी, पुलिस वालों ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जिन लोगों को पुलिस किसान समझ रही थी वो असल में किसान के भेष में दंगा करने आए थे। उनका इरादा ही गड़बड़ी करने का था। पुलिस उन्हें अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बेटा समझ रही थी, इसलिए पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। कुछ लोग कह सकते हैं कि किसान संगठनों के नेताओं ने वायदा खिलाफी की, कुछ लोग कह सकते हैं कि गलती पुलिस की है, शायद पुलिस की गलती है। पुलिस की गलती यह है कि उन्होंने किसान नेताओं के बातों पर यकीन किया, पुलिस की गलती यह है कि उन्होंने संयम बरता। मैं कई दिन से कह रहा हूं और मैंने कल भी कहा था कि किसान नेताओं के बयानों से साफ है वो गड़बड़ी करेंगे, उनकी नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारा मार्च ट्रैक्टर परेड 2 दिन चलेगी और फिर 1 तारीख को पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। उनके इरादे मुझे ठीक नहीं लगे थे और ये हुआ। सबसे बेसिक सवाल है, ट्रैक्टर मार्च का रूट तो पहले से तय था, किसान नेताओं ने लिख कर दिया था, सार्वजनिक तौर पर कैमरों के सामने वादा किया था कि रूट से डाइवर्ट नहीं होंगे, हमारे वॉलंटियर तैनात होंगे, किसी को इधर उधर जाने नहीं देंगे। तो फिर ये ट्रैक्टर लाल किले तक कैसे पहुंच गए? तस्वीर सबूत है, ये किसान थे जो धरने पर बैठे थे, उन्हीं में से कुछ लोग थे जो दंगाई के तौर पर आए थे और तय करके आए थे उन्हें लाल किले पर जाना है। और मुझे पता चला कि कल रात को इसका फैसला हो गया था और किसान संगठनों के नेताओं को इसकी पूरी जानकारी थी, उन्होंने पुलिस को नहीं बताया कि कल लाल किले पर हंगामा करने की तैयारी हो गई है। ये लोग ट्रैक्टर लेकर लाल किले तक पहुंचेंगे, ये सबको पता था। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ये लोग ट्रैक्टर लेकर लाल किले पहुंचे, सामने लाल किला दिख रहा है और लाल किले के सामने की तरफ ग्राउंड पर ट्रैक्टर और उग्र भीड़ आपको दिखाई देगी। लाल किले पर हिंसक भीड़ ने कई घंटे तक उत्पात मचाया। दंगा करने वालों ने लाल किले के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बसों में तोड़फोड़ की, बसों के शीशे तोड़ दिए, पुलिस फोर्स पर सीधा हमला किया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस हिंसा में 26 पुलिस वालों को चोट लगी है, उनका खून बहा है। घायल पुलिस वालों को सिविल लाइन के हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है और घायल पुलिस वालों से कुछ की हालत गंभीर है। दंगाइयों ने लाल किले के अंदर टिकट काउंटर को तोड़ दिया, टिकट काउंटर के अंदर जो भीड़ घुसी उसने वहां लगे शीशों को तोड़ा। लाल किले पर कब्जा करना, वहां अपना झंडा लगाना और घंटों तक लाल किले पर हंगामा करना, अराजकता फैलाना, ये सब साजिश का हिस्सा था। दंगा करने वाले पहले से तय करके आए थे क्या करना, और ये मत सोचिए कि कुछ लोग रास्ता फटक कर लाल किले पहुंच गए। पूरी भीड़ को बाकायदा प्लानिंग करके लाल किले की तरफ भेजा गया था, एक जगह से नहीं कई जगहों से दंगाइयों की भीड़ ने लाल किले की तरफ कूच किया और यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। और मेरे पास जानकारी है, जब पुलिस ने लाल किले की प्राची से दंगाइयों की भीड़ को हटा दिया, उसके बाद भी हमारे संवाददाता अभय पाराशर को पश्चिम बिहार में सड़कों पर लाठी डंडे लेकर लाल किले के तरफ बढ़ रहे दंगाइयों को हुजूम दिखाई दिया। इन लोगों ने कहा लाल किले पर कब्जा करने जा रहे हैं, अब लाल किले पर झंडा फहराएंगे। आप लोग आगे कहां तक जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं आगे? लाल किला, लाल किला, लाल किला, लाल किले पे झंडा करेंगे, झंडा, झंडा कब्जा करेंगे, लाल किले पे कब्जा, कब्जा करेंगे। सरकार को बहुत दिन हो गए हमारे को मिट्टी गोली। आप लोग डंडे क्यों लेके जा रहे हैं? ये हमारी सुरक्षा के लिए, दो किसान भाई मार दिए, परसों वाले मारपीट करते हैं और दो लड़कियों की
दोनों की टांगे तोड़ दी, एक ही टांग पे लगी है, 10 रुपए उसके गोले लगे हैं, उसके जख्मी किया गया है, दो ट्रैक्टर पंचर कर दिया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि 5 बजे तक मार्च की बात थी, अब मेन रोड पर जाएंगे तो ट्रैक्टर कोई टाइम नहीं, अभी हम वहाँ पे जाके जत्था असर करेंगे, किला पे वहीं पे रहेंगे, लाल किले पे जाएंगे, उसके बाद हमारी जत्थेबंदी कहेगी, उसके बाद आगे का प्लान हमारा। कहाँ है राकेश टिकैत, कहाँ है दर्शन पाल सिंह, और कहाँ युद्धवीर सिंह और योगेंद्र यादव और सरबत सिंह, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये सब के सब वो नेता हैं जो दावा कर रहे थे कि ट्रैक्टर मार्च बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से होगा, परेड पुलिस के तय किए रूप पर निकलेगी। लेकिन आज ही मैंने किसान लोगों को उससे कहते हुए सुना, किसान नेताओं को कहते हुए सुना कि किसानों के लिए कोई रूट थोड़ी हो सकता है, किसान जहां चाहेंगे जाएंगे। सारे के सारे नियम तोड़ दिए गए, पुलिस से किए गए सारे के सारे वादे तोड़ दिए गए, तो ये लोग कहां गायब हो गए। मैं आपको नेताओं का असली चेहरा दिखाना चाहता हूं, आपको दिखाता हूं पिछले 3 हफ्ते से इस ट्रैक्टर परेड को लेकर ये किस तरह के दावे कर रहे थे, किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम तो सब अनुशासन में तो चलते हैं। हाँ, अनुशासन की जिम्मेदारी रहेगी, एकदम शांतिपूर्ण, कोई ऑफिशियल परेड को डिस्टरबेंस नहीं होगा। हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़र इस पे है और हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, तो निश्चित तौर पे हम कोई भी ऐसा काम नहीं होना करना चाहेंगे या होने देंगे जिससे हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगे। हमारी ओर से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो टकराव हो। अड़चन वाले को तो देख ही नहीं हम, कहाँ है अड़चन वाला। हाँ, अड़चन वाला तो मिलेगा, हमारा सब वॉलंटियर तैयार है। कल 26 तारीख को कौन उल्लंघन करेगा उसको देखेंगे, जो उल्लंघन करेगा उसको तो पकड़ेंगे हम। हाँ, पकड़ेंगे उसको। तो उल्लंघन करने वालों को आपने पकड़ा क्या? क्या आपने उनकी असलियत जनता को बताई? क्या आपके वॉलंटियर्स ने इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने की कोशिश की? सब के सब नेता कह रहे थे गड़बड़ नहीं होगी, हम गड़बड़ होने नहीं देंगे। लेकिन आज इन नेताओं का दूसरा चेहरा दिखाई दिया। जब ये एक्सपोज हो गए, जब पता चल गया कि दंगा करने वालों ने देश के अभिमान के खिलाफ काम किया है, उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है, तिरंगे का अपमान किया है, तो इनमें से कोई सरकार और पुलिस को देश देने लगा तो कोई इसे शर्मनाक कहने लगा। How these people can go and raise a flag when all the police are seeing silently, police are watching. Why police are watching? Why not prevented them immediately without any connivance? Can that thing can happen? I think there is connivance with some people in the government. Otherwise, how this crime could be organized by these criminals? ये गुंडागर्दी है, ये criminal है, वो किसान नहीं है, किसान का दुश्मन है, वो साजिश का अंग है। हम इसको घोर निंदा करते हैं और आने वाला दिन में हमारा आंदोलन चलेगा। सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो फेल्यूअर रहा है, नंबर वन। और सरकार का और पुलिस प्रशासन का जो फेल्यूअर है वो ये है कि इतना बड़ा मार्च है, सरकार को पता है कि इस मार्च में बहुत सारे ट्रैक्टर आएंगे, तो इसकी तैयारी 15 दिन 20 दिन पहले करना चाहिए। अंतिम दिनों में हड़बड़ी होती है, हड़बड़ी हुई सरकार से। अब फिर सिंगू बॉर्डर से दिल्ली का लाल किला कितने किलोमीटर होगा, उतनी दूर तक किसान अनेक बैरिकेड तोड़ते हुए कैसे पहुंच गया सर, उनको क्यों नहीं आप रोक पाए? जब वो ध्वज चढ़ा रहे थे तब आप उनको क्यों नहीं रोक पाए? तो ये भी तो प्रश्न खड़ा होगा कि आप क्या करते रहे, रोका जा सकता था, बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, मुट्ठी भर किसान थे वहां पर, मगर हम नहीं रोक पाए। कल रात तक तो आप कह रहे थे कि कोई गड़बड़ करेगा तो हम उसे रोकेंगे, आज पुलिस पर दोष डाल रहे हैं। जरा सोचिए, पहले साजिश रची, पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को, जो वादे किए थे उसे तोड़ा, देश को धोखा दिया, लोगों को भड़काया, तिरंगे का अपमान किया, लाल किले की प्राचीर से दुनिया के सामने देश की छवि खराब की, और अब कह रहे हैं कि गलती पुलिस की है, सरकार की मिलीभगत है, किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। मतलब ये कि लाल किले की प्राचीर पर जो लोग चढ़े वो सरकार ने भेजे थे, जो लोग लाल किले पर
राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे थे वो सरकार ने भेजे थे। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है। मुझे लगता है आज किसान नेताओं ने देश का विश्वास खो दिया। किसान नेता जानते थे उनके बीच ऐसे लोग हैं जो दंगा फैला सकते हैं, अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने जिद की, ट्रैक्टर परेड निकाली और अब पुलिस को दोष दे रहे हैं। मैं मानता हूं पुलिस की गलती तो है, पुलिस की गलती यह है कि उसने किसान नेताओं के बातों पर यकीन किया, पुलिस का गुनाह यह है कि उनके वादों पर भरोसा किया। लेकिन आज मैं दिल्ली पुलिस के जवानों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तारीफ करूंगा, उन्होंने संयम दिखाया। दिल्ली पुलिस ने तमाम तरह के प्रोवोकेशन के बावजूद धैर्य दिखाया। पुलिस वालों पर तलवारों से हमला हुआ, उन पर लाठियां बरसाई गईं, पत्थर फेंके गए, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई, पुलिस वालों का खून बहा, उनके अफसर चोट खाकर जमीन पर गिर कर पड़ गए। लेकिन पुलिस ने आपा नहीं खोया, हिम्मत और सहनशीलता का परिचय दिया। आज दिल्ली पुलिस की इज्जत पूरे देश के सामने और बढ़ गई। आज हालात तो ऐसे थे कि लाशों के ढेर लग सकते थे, क्योंकि किसान नेताओं तो अपने हर वादे से पीछे हट गए। उन्होंने कहा था किसान संगठनों के नेताओं की गाड़ियां आगे चलेंगी, पीछे ट्रैक्टर होंगे, कोई भी तय रूट से इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन जानते हैं आज जब ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ तो किसान नेता गायब हो गए, ट्रैक्टरों पर सवार लोग रूट के बजाय इधर उधर से बैरिकेड तोड़कर लाल किले तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। और कुछ ही देर में समझ आ गया कि हंगामा करने वाले चाहते क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं। हर तरह से तोड़फोड़ और हंगामे की खबरें आने लगी। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन जगह जगह तैनात थे और बड़ी मुश्किल से इन मुश्किल हालात में उन्होंने ये तस्वीरें हासिल की। रिपोर्टर्स ने बताया कि तय तो यह हुआ था कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिवस की परेड के दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगा और शाम 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन सुबह 8 बजे से ही ट्रैक्टर सड़क पर आ गए। जिस वक्त राजपथ पर परेड हो रही थी उसी दौरान ट्रैक्टर्स का मूवमेंट शुरू हो गया। तभी इस बात का अंदाजा हो गया था कि गड़बड़ होने वाली है। दोपहर होते होते दंगाई आईटीओ तक पहुंच गए। आईटीओ पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, यहां पुलिस तैनात थी, बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन उपद्रवी जानते थे पुलिस का रुख नरम है, उन्हें अंदाजा था कि पुलिस वाले फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए उनके हौसले बढ़ गए। दोपहर 2 बजे तक हालत ये हो गई, ऐसा लगा जैसे आईटीओ पर दंगा करने वालों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़े, बसों को नुकसान पहुंचाया और फिर जो पुलिस वालों ने रोकने के लिए आगे आया उन पर हमला किया। उनके हाथ में लोहे के रॉड थे, बड़े बड़े डंडे और लाठियां थी और उन्होंने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जो लोग किसानों के भेष में ट्रैक्टर पर सवार होकर आए थे उन्होंने न तो वर्दी का लिहाज किया और न ही वर्दी पहने वाले पुलिस वालों की उम्र का। किसी ने पुलिस वाले पर लाठियां मारी तो किसी ने पत्थर मारे। एक एक पुलिस वाले को 10-10 दंगाइयों ने घेर कर पीटा। आईटीओ की तस्वीरें हैं, आप देखिए पुलिस वालों को घेर कर मार रहे हैं और इन दंगाइयों के हाथों में डंडे हैं, लोहे की रॉड्स हैं। अकेला पुलिस वाला मिला, इन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। क्या अपने देश के पुलिस कर्मियों को इस तरह पिटते देख आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? क्या गुस्सा नहीं आएगा?
ये पुलिस वाले चाहते तो गोली चला सकते थे, खून बहा सकते थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी हिंसा और तोड़फोड़ के दौरान पुलिस वालों ने संयम बरता। दिल्ली पुलिस के जवान चाहते तो फायरिंग कर सकते थे। जरा सोचिए, जब पुलिस वालों को गिरा गिरा कर पीटा तो साथी पुलिस वालों का खून तो खुला होगा। वो चाहते तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए बंदूक का ट्रिगर दबा सकते थे, मगर पुलिस के जवान सिर्फ लाठी से खुड़दंगियों का, उग्र प्रदर्शनकारियों का, वायलेंट प्रोटेस्टर्स का सामना करते रहे। कई बार उग्र भीड़ को हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की, मगर ट्रैक्टर पर टेरर मार्च निकालने वालों के सिर पर खून सवार था। जो पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए आगे आ रहे थे वो उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार तो ऐसा लगा कि पुलिस वालों को ट्रैक्टर के नीचे कुचल देंगे। आईटीओ के चौक पर काफी देर तक इसी तरह हिंसा का तांडव होता रहा। जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तब पुलिस ने टीयर गैस शेल्स दागे। इतने हंगामे के बीच रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम नहीं था, और जिस वक्त आईटीओ पर पुलिस और दंगाइयों के बीच टकराव हो रहा था उस दौरान हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने रिपोर्ट भेजी, और वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिन की रिपोर्ट है, लेकिन आपको अंदाज़ा लगेगा कि उस समय हालत क्या थी। आईटीओ पर जो दंगाई हंगामा कर रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे, उनमें से आधे लाल किले की तरफ जाना चाहते थे और आधे इंडिया गेट की तरफ। सब कुछ पहले से तय था, साजिश थी, उसके हिसाब से हो रहा था। जिस जगह दंगाई पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उस जगह से इंडिया गेट सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। इस जगह से लाल किले की दूरी सिर्फ 2.5 किलोमीटर है। जब पुलिस ने रूट तय कर दिए थे, जिन्हें किसानों ने मान लिया था, ट्रैक्टर मार्च के नियम कायदे बता दिए गए थे, ये क्लियर कर दिया गया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान इकट्ठा हैं उन्हें अप्सरा बॉर्डर होते हुए अपना मार्च करनाल जीटी एक्सप्रेसवे पर निकालना होगा, तो फिर ये लोग रूट से डाइवर्ट क्यों हुए? वो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन की तरफ क्यों गए, और फिर वहां से पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश क्यों की? इसका मतलब साफ है, इनकी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। तय करके आए थे कि पुलिस के बताए रूट पर नहीं जाना, टकराव करना है। इनका मकसद था गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के पवित्र मौके को कलंकित करना। और मैंने आज इन तस्वीरों को जितनी बार भी देखा उतनी बार खून खौल। पुलिस ने दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च की एंट्री बैन करने के लिए आईटीओ पर डीटीसी की बसों को लगाया था। बसों के तौर पर एक टेम्परेरी शील्ड तैयार की थी, लेकिन ट्रैक्टर पर सवाल और दंगी लगातार बसों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। एक साथ कई कई ट्रैक्टर लाइन में खड़े होकर बस को पलटने की कोशिश कर रहे थे। ये बार बार बस से टकरा रहे थे। ये तस्वीरें जिसने भी देखी स्तंभ रह गया, अवाक रह गया, क्योंकि इस तरह की हरकत करने वाले किसान तो नहीं हो सकते। क्या ये किसान थे, क्या ये दंगाई थे? आज पूरा देश ये जानना चाहता है। ये देश के दुश्मन हैं, दंगाइयों की भीड़ में शामिल हैं। क्या ये वही लोग हैं जो 60 दिन से धरने पर बैठे थे, क्योंकि कोई बस के शीशों पर डंडे मार रहा था तो कोई बस के ग्रिल्स को उखाड़ कर फेंक रहा था? इतने से मन नहीं भरा तो फिर ट्रैक्टर से बस को टक्कर मारने लगे? और ये एक दो घटनाएं नहीं थी, दिन भर पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इसी तरह की घटनाएं दिखाई दी। पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश हुई, एक एसीपी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस
जख्मी हो गए। आईटीओ पर हिंसक झड़प में 18 पुलिस वाले घायल हुए हैं और इनमें से एक की हालत काफ़ी गंभीर है। मेरी प्रार्थना है कि ये पुलिसकर्मी जल्दी ठीक हो जाए। अब मैं आपको दिल्ली पुलिस के अफसरों की बात भी सुनवा देता हूँ। पुलिस ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों के साथ कई राउंड की बात हुई थी, रूट तय हुए थे। किसानों ने आखिर तक कहा कि सारी बात मानेंगे, सब कुछ नियमों के दायरे में रहकर करेंगे, किसी को गड़बड़ नहीं करने देंगे। लेकिन आज किसानों ने धोखा दे दिया। सबसे पहली बात, इस मार्च को तय वक्त से पहले शुरू किया गया, क्योंकि तय तो हुआ था कि गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद यह मार्च शुरू होगा। और समय से पहले जब निकले तो उन रूट्स पर पहुंच गए जहां की परमिशन नहीं थी। उनकी तरफ से ये पूरा आश्वासन था कि ये चीज़ें सब सही चलेंगी, लेकिन आज सुबह जब ये था कि पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया, और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया, और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। और उसके बाद इसमें से कई लोग इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे निकल गए, और जो पीछे लगातार उनके साथ पुलिस की जो है मुठभेड़ और मुकाबला चलता रहा। आज मुझे देश भर में बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, लेकिन एक ऐसा मैसेज है जो मैं भूल नहीं पाता। एक मित्र ने कहा कि मेरे 10 साल के बेटे ने आज मुझसे ये पूछा कि पुलिस इतनी बेबस क्यों है, क्या पुलिस पिटने के लिए होती है, क्या पुलिस को लोग मार सकते हैं, पुलिस तो हमारी रक्षा करने के लिए होती है, अगर पुलिस इस तरह बेबस हो जाएगी तो क्या हम सुरक्षित हैं। ये बात आप बार बार मेरे कान में गूंजती है, क्या जवाब देंगे हम देश की नई पीढ़ी को। पुलिस अफसर कह रहे हैं कि किसान नेताओं ने वायदा खिलाफी की, और हन्नन मौला जैसे नेता अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस ने ड्यूटी नहीं निभाई। आपने जो तस्वीरें देखी हैं, जो सबूत मैंने आपको दिखाए हैं, आप जान सकते हैं कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। हन्नन मौला साहब पूछ रहे थे कि पुलिस ने दंगाइयों को क्यों नहीं रोका, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाल किला सिंघू बॉर्डर से 35 किलोमीटर दूर है, पुलिस ने तय रूट के अलावा दूसरे रास्ते बंद कर दिए थे। पुलिस ने सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर ही किसानों को रोकने की कोशिश नहीं की, नांगलोई से लेकर टीकरी बॉर्डर तक और गाजीपुर बॉर्डर से सारी तैयारियां की गई थी। सड़क पर बड़े बड़े सीमेंट के स्लैब रखे गए थे, कई जगह 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी, ट्रैक्टर्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए DTC बसों को सड़क पर लाइन में खड़ा किया गया था। टकराव से बचने के लिए, खून खराबे को रोकने के लिए पुलिस ने हर संभव उपाय किए थे, लेकिन उपाय तो तब काम आते जब मार्च में सिर्फ किसान होते। पुलिस उसने सोचा नहीं था कि किसान दंगाइयों का फेस धर के आएंगे और इस तरह का दंगा करेंगे। जिस किसान को पुलिस वाले अपना बड़ा भाई कह रहे थे, उनसे ऐसा व्यवहार देखने को मिलेगा। नांगलोई में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड उखाड़ दी, और टीकरी बॉर्डर पर भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली।
करनाल बाईपास पर तो घोड़े भी दिखे और चूंकि घोड़ों पर निहंग थे इसे पुलिस वालों ने उनसे अपील की, लेकिन पुलिस की सुनने वाला कोई नहीं था। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पर कम से कम 3 जगहों पर बैरिकेडिंग थी, लेकिन किसानों ने हर जगह ट्रैक्टर से बैरियर्स को तोड़ दिया। सोचिए हाल तब था जब किसान संगठनों के नेता बार बार दावा करते रहे थे प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, किसान तो दिल्ली का दिल जीतना चाहते हैं, ये दिल्ली का दिल जीतने की कोशिश थी। 26 तारीख हम किसान का जो पैरेड है, इस पैरेड से हम किस जनता दिवस है, जनता के पास हम जाएंगे और जनता के अपील करेंगे कि भाई देखो हम अन्नदाता है, हमारा वजह से आपको रोटी रोजी होता है, आप खाते हैं, जिंदा रहते हैं, और आज हम जब मर रहा है आप अन्नदाता को साथ दो, ये अपील लेके हम पैरेड करेंगे। ट्रैक्टर पूरे लाइन में चलेंगे और एक ट्रैक्टर पर 3 या 4 जने होंगे। जो होगा शांतिपूर्ण होगा और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि किसानों को प्रोटेस्ट से गणतंत्र स्थापित होगा, और हुआ क्या, किसान नेताओं ने किया क्या, ये पूरी दुनिया ने देखा। आज आईटीओ, लाल किला, सेंट्रल दिल्ली, नांगलोई, पश्चिम बिहार, सब जगह दंगाइयों ने पथराव किया। किसानों के हमले में दिल्ली पुलिस के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और अब तक 117 पुलिस वालों के घायल होने की बात कंफर्म हो चुकी है और ये फिगर बढ़ सकती है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारियों को किसान समझा, उन्हें अपना भाई माना और इन किसान संगठनों के लोगों ने दिल्ली पुलिस को अपना दुश्मन। कई जगह तो हालात बेहद संगीन हो गए। दंगाइयों के हमले के बाद एक पुलिस वाला बेहोश हो गया, उसे मौके पर उसके साथियों ने फर्स्ट एड दिया, हॉस्पिटल भेजा गया, पता चला कि फिलहाल इस पुलिसकर्मी की हालत बेहतर है, स्थिर है। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिजिकल बैरियर्स भी लगाए गए थे और कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूसली ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने तमाम, चूँकि आज रिपब्लिक डे था, तो तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ पर इस बात की संभावना हो सकती है कि जहाँ से डेमोन्स्ट्रेटर्स जा सकते हैं, वहाँ पर हर किस्म का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ट्रैक्टर से जब पुलिस बल पे कई जगहों पे उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की तो कई जगहों पे वो ब्रीच भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप जैसा देख रहे हैं अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में कंटिन्यूस जो है ये पुलिस उनको रोक रही है, समझा भी रही है, अपील भी कर रही है, वापस भेज भी रही है। बहुत सारे आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर से वापस चले भी गए हैं, जो इसमें कई सेनर एलिमेंट्स हो सकते हैं वो चले भी गए हैं, लेकिन ये कवायद अभी भी चल रही है कि कैसे जल्दी से जल्दी स्थिति को काबू में किया जाए। दिल्ली पुलिस ने अपनी गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाया, दिल्ली पुलिस ने अपना फर्ज निभाया, पुलिस फोर्स की शान बढ़ाई और दिल्ली में दंगा करने वालों ने पूरे देश को शर्मसार किया, पूरे देश का भरोसा तोड़ा। अब किसान मोर्चे के नेता दंगा करने वालों की निंदा कर रहे हैं। देश की जनता का रिएक्शन देखने के बाद संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी की, कुछ लोग किसानों के बीच घुस आए, ऐसे लोगों को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, पुलिस नाकाम रही। ऐसे बयान सुनकर, ऐसी बातें सुनकर दुख होता है और दुख इसलिए होता है क्योंकि जो नेता पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं वही नेता ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि कल रात 11 बजे ही संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को, कई किसान संगठनों के नेताओं ने बता दिया था कि वो पुलिस की बात नहीं मानेंगे और वो लाल किले तक जाएंगे, लाल किले पर झंडा फहराएंगे। यानी संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को पता था, इसके बाद भी वो खामोश रहे, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी, क्या ये गुनाह नहीं है? अब इसका जवाब देने के लिए
कोई किसान नेता सामने नहीं आ रहा। हैरानी की बात है कि किसान संगठनों के नेता इतना सब होने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मेरे पास सबूत है, आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले 15 सेकेंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या है वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। किसान आंदोलन की आड़ में आज जो हिंसा हुई उसका स्टार्टिंग पॉइंट था दिल्ली का नांगलोई। टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर्स का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ा। क्योंकि इसकी परमिशन नहीं थी, इसलिए पुलिस अफसरों में प्रदर्शनकारियों को तय रूट पर जाने की बात कही हुई, उनको कहा गया। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, और मानते भी कैसे, क्योंकि ट्रैक्टरों पर बैठे लोग दंगा करने के लिए आए थे। किसान के भेष में हिंसा करने के लिए आए थे, पुलिस ने फिर भी संयम दिखाया। दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों के सामने सड़क पर बैठ गए। पुलिस वालों को लगा शायद अब ये किसान मान जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अराजक लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू कर दिया और बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, लेकिन दंगा करने वाले किसानों की तादाद ज्यादा थी। एक एक ट्रैक्टर पर दर्जनों लोग सवार थे, कुछ के पास लाठियां थी, कुछ के पास हथियार। लाठीचार्ज के बावजूद पुलिस इन पर काबू नहीं पा सकी, और फिर टीयर गैस का इस्तेमाल किया। अब तक किसान संगठनों के आंदोलन में जिस तरह के संयम की बात की गई थी उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही थी, इसके लिए किसान आंदोलन को सहानुभूति मिली थी, सपोर्ट मिली थी। लेकिन आज जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज किसानों ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की। यह तस्वीर दिल्ली के मुकरबा चौक की है। क्योंकि इस आंदोलन में महिलाओं की और बच्चों की भागीदारी थी, इसलिए सिक्योरिटी के लिए लेडी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। लेकिन आज हंगामा कर रहे किसानों ने महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा। ये देखिए किस तरह से दंगाई इस महिला पुलिस अफसर को पीटने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। एक पुलिस वाला उन्हें बचाकर ले जा रहा है, लेकिन हाथों में लाठी ले किसान उन पर हमला करते हैं। सोचिए खुद को किसान कहने वाले, अन्नदाता कहने वाले एक नियति लेडी पुलिस अफसर पर हमला कर रहे हैं। इससे शर्मनाक तस्वीर और क्या हो सकती है। ये एसीपी रैंक की अधिकारी थी, लेकिन किसानों को इस बात का कोई खौफ नहीं। आज मैं किसान नेताओं से एक और बात कहना चाहता हूं। जिन 117 पुलिस वालों को चोट लगी, जिनका खून बहा, उनका क्या कसूर था? क्या उनका गुनाह यह था कि उन्होंने गोली नहीं चलाई? क्या उनका गुनाह यह था कि उन्होंने किसानों का खून नहीं बहाया? क्या उनका गुनाह यह था कि उन्होंने किसानों को अपना भाई माना? क्या उनका कसूर यह था कि उन्होंने किसान नेताओं की बातों पर यकीन किया? जो पुलिस वाले किसानों के हाथों से पिट रहे थे, उनके पास रिवॉल्वर थी, वो चाहते सेल्फ डिफेंस में उसका इस्तेमाल कर सकते थे। क्या उनका कसूर यह था कि उन्होंने संयम दिखाया? क्या इन पुलिस वालों के सीने में दिल नहीं धड़कता? उनके भी परिवार हैं, उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी आत्मसम्मान है। इसलिए किसान नेताओं को इन पुलिस वालों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए कि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, फर्ज निभाया, संयम रखा और किसानों की रक्षा की, उनका खून नहीं बहाया। लाल किले से दंगाइयों को पूरी तरह हटाया जा चुका है। आईटीओ नांगलोई सिंगू बॉर्डर पर शांति है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। किसान संगठनों के नेता कह रहे हैं कि वो एक जांच करेंगे, पता लगाएंगे किसने गड़बड़ की।
फिर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन उन्होंने विश्वास तो खोया है। गाजीपुर बॉर्डर की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वहां इस वक्त तो शांति है, लेकिन ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि जो किसान परेड निकालने के लिए आए थे वो किस तैयारी से आए थे। दिल्ली पुलिस ने चिल्ला रोड होते हुए परेड निकालने की परमिशन दी थी, लेकिन यहाँ से किसानों ने NH9 और अक्षरधाम होते हुए दिल्ली जाने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से कई सारे बैरिकेड लगाए गए थे। ये तस्वीरें इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि ट्रैक्टरों की मदद से इन बैरिकेड्स को कैसे उखाड़ा गया। पुलिस ने जिस क्रेन की मदद से बैरिकेड्स लगाए थे उसी क्रेन का इस्तेमाल करके इन किसानों ने बैरिकेड्स को हटाया। दंगा करने वाले लगातार हंगामा कर रहे थे, पुलिस संयम बरत रही थी। हंगामा करने वाली भीड़ के जत्थे में कई निहंग नजर आए और फिर कई जगह निहंगों ने पुलिस वालों पर तलवार से हमला करने की कोशिश की। ये देखिए तलवार से मारने की कोशिश हो रही, ये देखिए एक 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 पुलिस वाले पे तलवार से मारने की कोशिश की जा रही है। ये कहीं ना कहीं जो आज हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं, जो गणतंत्र की हम लोग दुहाई दे रहे हैं, वो कहीं से भी ये उस पर सही नहीं है, ये खरा नहीं उतरता है। ये जो है कहीं ना कहीं जिस गणतंत्र की हमने बात की थी वो अभी यहाँ पर हाथापाई हो रही है। किसानों की पुलिस से भी यहाँ पर लाठी छीनने की कोशिश की जा रही है। ये तलवारें ये लाठियां कई दिन तक याद रहेंगी। मैंने कल ही आज की बात में आपसे कहा था कि किसानों के ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ हो सकती है, हिंसा हो सकती है, और किसान नेताओं ने दावा किया था कि कुछ नहीं होगा, बड़ी शान से परेड निकलेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, अगर गड़बड़ हुई तो हमारे वॉलंटियर देख लेंगे। लेकिन आज मैं इन किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं, उनके साथ जो लोग धरने पर बैठे थे वो लोहे की रॉड लेकर, तलवारें लेकर, लाठियां लेकर क्या शांति पाठ करने आए थे? क्या पुलिस वालों पर हमला करके, उन पर पत्थर फेंककर उनके साथी किसान अपने भाइयों के लिए, किसानों के लिए कल्याण की माला जपने आए थे? इन किसान नेताओं को मान लेना चाहिए कि वो सिर्फ नाम के नेता हैं, कोई उनकी सुनता नहीं है, उनकी चलती नहीं है। ये लोग सिर्फ विज्ञान भवन में बैठकर सरकार को धमकियां दे सकते हैं, मीडिया के लोगों को डरा सकते हैं। उनके अपने बीच जो किसान धरने पर उनके साथ बैठे हैं उनके बारे में वो जानते हैं, लेकिन उन पर उनका कोई बस नहीं चलता। अगर जरा भी शर्म है तो उन्हें अपना आंदोलन स्थगित करना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज जो हुआ वो शर्मनाक है, उसका पूरा देश आहत है। और इसकी जिम्मेदारी किसान संगठनों के उन 40 नेताओं पर है जो विज्ञान भवन में बैठकर सारे देश के किसानों के प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं। मैंने जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखा है, एक लीडर था और छात्र आंदोलन पूरे देश में था, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश के एक इशारे पर छात्र आंदोलन में शांत भी हो जाते थे। मुझे महात्मा गांधी का चौरी चौरा का आंदोलन याद है, जब हिंसा हुई थी, खून बहा था, तो उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऐसे बड़े फैसले करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, ऐसे बड़े फैसले करने के लिए बड़े लीडर होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है आज किसानों के नेता वो बनकर बैठे हैं जिनका न दिल बड़ा है न दिमाग बड़ा है। बहरहाल दिल्ली में शांति है, लेकिन सियासत करने वाले मैदान में उतर गए हैं। आपका मुझे दुख है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई, किसान संगठनों के नेताओं ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, सारी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और सरकार पर डाल दी। उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण से, महात्मा गांधी से कुछ नहीं सीखा। लेकिन एक बार मैं इनको माफ भी कर सकता हूं, ये सोचकर शायद ये नेता नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब देश के अनुभवी नेता, कृषि मंत्री रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार ये कहते हैं जो हुआ उसके पीछे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, तो चिंता होती है कि देश कहां जा रहा है।
आप सुनिए शरद पवार की बात। आज दिल्ली में जब ये ट्रैक्टर रैली उन्होंने की, सरकार की इजाजत लेकर कही, मगर इस ट्रैक्टर रैली को और आने वाले किसानों को जिस तरह से जो भारत सरकार ने हैंडल किया, ये बात एक बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जो किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करता था, इनकी एक तरह की बेइज्जत और बदनामी करने की ये साजिश हमने रखी है। शरद पवार जैसे अनुभवी नेता से मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। कम से कम उन्हें इस हिंसा को, तिरंगे के अपमान को, लाल किले की परंपरा के अपमान को कंडम तो करना चाहिए था, निंदा करनी चाहिए थी। शिवसेना से जो उम्मीद थी उसने वही किया। संजय राउत ने सवाल पूछ लिया कि किसान तो 2 महीने से शांति के साथ आंदोलन कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया जो हिंसक हो गए? 2 महीने से बहुत ही संयम और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा, और अचानक से आज क्या हुआ कि संयम का बांध टूट गया और किसान सीधे दिल्ली राजधानी में घुस गए, लाल किले के प्राचीर पर घुस गए। क्या सरकार इसी घटना का या इसी दिन का इंतजार कर रही थी? कांग्रेस के नेताओं ने ट्विटर पर, फेसबुक पर किसानों को क्रिटिसाइज नहीं किया। एक शशि थरूर एक्सेप्शन है जिन्होंने हिंसा के लिए किसानों को और लाल किले पर जो उन्होंने प्रदर्शन किया उसके लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। दिन का वो आंदोलन चल रहा है, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में वो आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद उनका जो अगर ये हिंसा हुई होगी, कोई हिंसक होना नहीं चाहिए, वह होगा तो उसको पूरा केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये किसान ने अपने श्रम से हमें स्वयं पूर्ण बनाया, पूरे देश को खाना दिया। अभी वो उनकी कुछ मांग है तो मांग समझ लेना चाहिए, उसको कोई ना कोई उसका हल निकालना चाहिए। अगर असल में किसी एक लीडर ने खुलकर अपनी बात कही, हिम्मत से अपनी बात कही, तो वो हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह। और मुझे दुख हुआ कि शरद पवार ने उनकी बात नहीं सुनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली में जो हुआ वो दुखद है, नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके बाद किसान संगठनों के नेताओं को दिल्ली से वापस लौटकर वहीं जाना चाहिए जहां बैठकर वो आंदोलन कर रहे थे। कैप्टन ने जो कहा उसे कहने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, ज्यादातर किसान जो धरने पर बैठे हैं पंजाब के हैं। अब तक अमरिंदर सिंह किसान आंदोलन को खुलकर सपोर्ट करते रहे हैं, हर मौके पर किसानों के साथ खड़े नजर आए। आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार वालों को उन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए, एक एक परिजन को नौकरी देने का ऐलान किया। वो केंद्र सरकार से बार बार कहते रहे कि किसानों की बात सुने, लेकिन आज जब दिल्ली में हिंसा हुई तो कैप्टन ने इसको सपोर्ट नहीं किया। मुझे लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस साफ गोई की, इस हिम्मत की तारीफ होनी चाहिए और दूसरे नेताओं को उनसे सबक सीखना चाहिए, खासकर राहुल गांधी को। जब बात देश के मान सम्मान की हो, जब बात तिरंगे की हो, जब बात लाल किले की परंपरा की हो, जब बात पुलिस पर तलवारों से हमले की हो, तो फिर सियासत से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। आज दिल्ली में जो दंगा हुआ उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। दंगाइयों ने सबसे ज्यादा उत्पात लाल किले पर मचाया, ये तस्वीरें आपने देखी हैं जहां पर करीब 100 पुलिस वाले घायल हुए हैं। लाल किले पर हमारे 4 संवाददाता दिन भर मौजूद थे।